स्टूडेंट्स हाउ आर आई होप यू आर विल नाउ लेट सेनर्जी एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज बल और ऊर्जा है ना फोर्स का मतलब होता है बल और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा ओके और यू विल लर्न अबाउट फोर्स है ना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे जानेंगे फोर्स के बारे में यानी कि बल के बारे में और सेकेंड आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का एनर्जी यानी कि ऊर्जा और थर्ड हमारा टॉपिक होगा सिंपल मशीन्स यानी कि साधारण जो मशीनें हैं उनके बारे तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस नाइन चैप्टर की फर्स्ट लाइन को और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ फोर्स इन ईच ऑफ देम है ना हमें क्या करना है जो भी यहाँ पे फॉलोइंग निम्न पिक्चर्स दिए गए हैं उन्हें देखना है और उसके बाद से हमें बताना है डिस्कस करना है यहाँ पे डिस्कस करना है इसमें कुछ लिखना नहीं है, है ना डिस्कस करना है केवल तो डिस्कस करिए कि क्या रोल है फोर्स का हर एक जो भी फिगर दिखाया गया है उसमें तो आई स्टार्ट करते हैं तो और आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट जो है फिगर यहाँ पे दिख रहा है ये बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है है ना फोर्स लगा रहा है तभी जो है ये अपने पैरों से यहाँ पे जो है इसका फोर्स लग रहा है तभी जो है ये साइकिल क्या होगी चलेगी ओके सेकेंड आप दिखाई दे रहा होगा ये आटा गूद रही है तो ये जो है अपने हाथों से इस पर फोर्स लगाएगी तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है तो यहाँ पे लग रहा है और इसका जो है काम कम्प्लीट होगा सेकेंड आप थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह जो है हाथों से इस तरीके से खाना उठा के इसको खा रही है तो यहाँ पे जो है फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है ओके okay? ये जो आपका फोर्थ नंबर फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फोर्स के कारण ही है ना फोर्स के कारण ही जो है ये बच्चा एक तरह से अपना बैग जो है लिए हुए है और आ, आ, चल रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे भी जो है फोर्स वर्क कर रहा है ओके okay? और आपका ये जो लास्ट फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स जो है यहाँ पे लास्ट फिगर यहाँ पे जो है फोर्स ये बच्चा किक कर रहा है यानी इस बॉल को पुश कर रहा है फोर्स का डेफिनेशन ही होता है पुश और पुल और सब में जो है पुश और पुल कहीं ना कहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो है ये बच्चा जब बॉल किक करेगा तो यहाँ पे हमारा फोर्स लगेगा तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो भी आपके यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पे फोर्स प्ले फोर्स का जो है रोल प्ले करता है ओके okay? चलते हैं हम लोग आपके इस चैप्टर के सेकेंड पेज पर और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स यानी कि बल ओके इन एवरीडे लाइफ वी सी एंड परफॉर्म मेनी एक्शन दैट इन्वॉल्व अ पुश और अ पुल है ना रोज इन एवरी डे लाइफ यानी कि अपने जो भी हम लोग हमारे जीवन की जो दिनचर्या है उ, उसमें हम क्या करते हैं अनेकों जो है एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारा पुश और पुल इन्वॉल्व होता है ओके okay? इन फुटबॉल द बॉल इज बिंग पुस्ट वेन द प्लेयर्स है ना जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होता है उसमें जो भी प्लेयर है वो बॉल को क्या करता है धक्का देता है उसको जब किक करता है तो वो क्या करता है बॉल को धक्का देता है ओके इन अ टग ऑफ आर पीपल आर पुलिंग एट द रूप और वही जो रसी खींचने वाला जो भी गेम होता है ना टग ऑफ वार उसे बोला जाता है उसमें क्या करते हैं लोग रस्सियों को क्या करते हैं पुल करते हैं दोनों तरफ से है ना अलग अलग प्लेयर्स जो होते हैं उसमें रस्सियों को क्या करते हैं पुल करते हैं ओके ए पुस और अपुल जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं ओके अ मैन पुसिंग अ कार्ड अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय वेगन एंड गर्ल ओपनिंग अ डूर आर अदर एग्जाम्पल्स इन विच फोर्स इज बींग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है मान लीजिए कोई कार्ट है गाड़ी उसको धक्का दे रहा है या फिर कोई चाइल्ड जो है अपने खिलौने को खींच रहा है या फिर कोई भी लड़की दरवाजा खोल रही है ये सभी के सभी उदाहरण हैं जिसमें हमारा फोर्स जो है आ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है अप्लाई होता है तभी जो है ये सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी प्रक्रियाएँ मुमकिन है ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स का प्रभाव क्या होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कह रहे हैं कि वी कैन नोट सी फोर्स है ना हम लोग फोर्स को यानी बल को हम लोग देख नहीं सकते बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट है ना लेकिन हम लोग उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ओके लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट द फोर्स दैट फोर्स कैन हैव ऑन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि चलिए एग्जामिन करते हैं देखते हैं कि कैसे जो है और किसी भी वस्तु पे हमारा फोर्स जो है अप्लाई होता है उसका प्रभाव क्या होता है क्या क्या पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं जो फोर्स से संभव हो सकती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फर्स्ट है यानी फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव है ना क्या कर सकता है फोर्स हमारा किसी भी स्थिर वस्तु को वो मूव करा सकता है ओके और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और इसके अलावा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे यदि उसका स्पीड स्लो है तो उसे ये फास्ट भी कर सकता है ओके okay? कंडीशन है इसमें कह रहा है कि इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यदि हमारा जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एकदम सेम डायरेक्शन में हो एक ही दिशा में हो है, है ना जिस भी दिशा में हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है अगर उसी दिशा में हम लोग फोर्स लगाएं तो ये जो है यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो सकता है उस, उसका स्पीड जो है बढ़ सकता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी वॉल जो है हमारा मान लीजिए स्थिर रहता है उसको जैसे ही हम लोग किक करते हैं वो क्या हो जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है वो मोशन में आ जाता है ठीक है ना तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होती है ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप है ना फोर्स के फोर्स लगाने से फोर्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को या तो हम लोग स्लो कर सकते हैं या फिर हम लोग उसे रोक सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बॉल इधर से आ रहा है ना उसे क्या कर रहा है ये बच्चा तरीके से अपने हाथों से क्या कर दे रहा है रोक दे रहा है ना तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं यानी फोर्स से हम लोग किसी भी वस्तु के जो भी मोशन है उसको या तो हम लोग बिल्कुल जो है मोशन उसको स्थिर बना सकते हैं या फिर हम लोग उसके जो भी स्पीड है चलने की चाल है जो हम लोग उसको स्लो कर सकते हैं इसमें भी कंडीशन है, है कंडीशन तो 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 क्या है कह इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यदि हमारा जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जिस भी जो है डायरेक्शन से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम फोर्स लगाएंगे तो ये चीजें हो सकती है स्पीड उसका स्लो हो सकता है और या फिर वो जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं ओके okay? और इस पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका दिखाया गया है कैसे जो है हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते जब हो जब जब हॉकी प्लेयर्स खेलते हैं तो क्या होता है बॉल किसी दूसरे डायरेक्शन से आती है और उसको जैसे ही यहाँ से फोर्स लगता है ये क्या हो सकता हो जाता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इस तरीके से जो है फोर्स का अप्लाई करके हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसका डायरेक्शन जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट आपका जो लास्ट यहाँ पे इफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे फोर्स कैन चेंज द सेफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना फोर्स से क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को हम लोग चेंज कर सकते हैं ये भी जो है यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो है ना फोर्स लगा के हम क्या कर देते हैं किसी भी जो है यहाँ पे ये टीन का जो भी आपका एक तरह से डब्बा है टीन का डब्बा है इसको फोर्स लगा के इसकी सेप को चेंज किया जा सकता है ओके तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो आपका अगला टॉपिक है यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस यानी कि बल के प्रकार है ना कितने तरह के आप होते हैं तो यहाँ पे कह रहे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेज है ना अब बहुत ही अनेकों प्रकार के फोर्सेज यानी बल्ब होते हैं सम ऑफ देम आर यहाँ पे कुछ जो है आपके जो इंपॉर्टेंट जो है फोर्सेज हैं वो दिए गए हैं आपका सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स का टाइप है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी है ना यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटी ओके okay? ग्रेविटेशनल फोर्स आर ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू तो द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटी वो बल है जो क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ अट्रैक्ट होता है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है ना यानी अर्थ के सेंटर केंद्र की तरफ क्या होता है वो आकर्षित होता है ओके इफ यू थ्रो अ बॉल अप इट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है ना यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो है ना किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो बॉल हो या फिर कोई भी वस्तु है ना जैसे ही आप लोग ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो क्या होता है कुछ समय बाद वो पुनः जो है धरती पर वापस आ जाता है किस वजह से आता है तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी के कारण वो वापस जो है सेंटर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की तरफ आ जाता है ओके okay? इट इट इज द अर्थ ग्रेविटी दैट कीप अस एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड और यहाँ पे कह रहा है कि वो ग्रेविटी ही है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो और सारे ऑब्जेक्ट को या फिर हमें इन सभी चीज़ों को ऑन द ग्राउंड पे ही यानी कि भूमि पे जो है र, 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 रखती है ना मून पे वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो हम लोग जो है वहाँ पे खड़े नहीं हो पाते कोई भी वस्तु जो है उड़ने लगता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये क्या करता है सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे बना के रखने में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम आते हैं ओके okay? नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिज्म है ना यानी कि चुंबकीय बल या फिर मैग्नेटिज्म उसे कहते हैं ओके मैग्नेटिक फोर्स आर मैग्नेटिज्म इज द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल सच एज आयरन निकिल एंड अदर मैग्नेट्स है ना यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबकीय बल वो बल है जो क्या करता है एक तरह से किसी मैग्नेट को या फिर किसी भी मेटल से बनी हुई चीजों को आयरन को निकिल को या फिर दूसरे जो भी चुंबक की चुंबक है उस सभी को क्या करती है ये जो है आपस एक दूसरे से क्या करती है अट्रैक्ट होते हैं ना मैग्नेट से आपका जो भी आयरन निकिल या फिर मैग्नेट ये सभी के सभी अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है ओके okay? मैग्नेट्स में आल्सो रिपेल ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना मैग्नेट क्या करता है यहाँ पे मैग्नेट ये भी एक दूसरे को रिपेल भी करता है जब एक पोल आपस में जब नॉर्थ मैं बता दू यहाँ पे मैग्नेट पे दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब नॉर्थ और साउथ पोल जब भी मान लीजिए दो मैग्नेट है उसके नॉर्थ और

एक तरह से इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है ये चार्जेस के बीच में लगता है ओके पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के बीच में लगता है ओके सिंस एंसियन टाइम इट इज़ नोन दैट मैटीरियल सच एज अंबर गेट चार बेडअप विद अदर मैटीरियल एंड अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट है ना पुराने समय से ही ये जो है जाना जाता है कि एक अंबर मैटीरियल होता है ये तो क्या करता है ये ज, आ, एक, वेन जैसे ही हम लोग इसको रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है और लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है ओके सिमिलरली इफ़ यू रन अ कॉम थ्रू ड्राई हेयर द कॉम गेट चार्ज एंड इज एबल टू अट्रैक्ट टीनी बाइट्स ऑफ पेपर वेन ब्रॉड नियर इट यहाँ पे उसी तरीके से यदि हम लोग कंगा कर रहे हैं अपने सर पर ड्राई हेयर पर जैसे ही कंघी बार बार हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा कंगी है वो क्या हो जाता है चार्ज हो जाता है ना और उसके बाद से वो इस एबल हो जाता है कि वो टीनी बिट्स यानी कि छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं जैसे ही हम लोग उनके नजदीक उस कंघी को ले जाएंगे तो वो क्या कर लेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा ओके okay? आप लोग चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को जो है कर सकते हैं बिल्कुल ये पॉसिबल है ओके फोर्स दैट अ चार्ज बॉडी तो ऑन एनादर चार्ज आर अनचार्ज बॉडी इज कार्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बल जो क्या होता है किसी किसी भी चार्ज बॉडी से किसी जो दूसरा अनदर चार्ज बॉडी है उस पर एग्जर्ट होता है या फिर अनचार्ज बॉडी पे एक्जर्ट होता है उस चार्ज बॉडी के द्वारा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं ओके okay? तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जो है यहीं इसी टॉपिक तक पढ़ने वाले हैं आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी अपने जो भी क्वेश्चन अराइजेज हो रहे हैं आपके दिमाग में वो हमसे पूछ सकते हैं ओके okay? और अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बुक से रिलेटेड सभी वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेलाइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोग सभी वीडियो से बिल्कुल जो है सभी वीडियोज़ आपको बिल्कुल समय से मिल जाए ओके बाय सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो